नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रिपल एस न्यूज में। मैं सुमेश बिश्नोई। हम पहुंचे हैं सूरतगढ़ के बिश्नोई मंदिर में और वहां पे हम जानेंगे बिश्नोई समाज के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रिपल एस न्यूज में। आप बिश्नोई समाज के बारे में क्या जानते हैं? बिश्नोई समाज गुरु जम्बेश्वर के अनुयायी, आज से 550 वर्ष पूर्व गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियमों की एक आचार संहिता बनाई। उन नियमों का पालन करके और पर्यावरण और जीव रक्षा के बारे में उन्होंने जो सिद्धांत दिए, जिनके बारे में आज पूरी दुनिया जो है वो चिंतित है, तो गुरु महाराज ने आज से 550 वर्ष पूर्व इन चीज़ों के बारे में बहुत स्पष्ट बता दिया था। तो आज भी बिश्नोई जो हैं वो जीव रक्षा के प्रति सचेत हैं, पेड़ पौधों के प्रति सचेत हैं। जीव दया पालनी और रूख लीला नहीं धावे, इसके बारे में आज भी जहाँ भी वन्य जीवों का शिकार होता है या हरे वृक्षों को काटा जाता है, वहाँ बिश्नोई सबसे आगे अपना सीना तान के खड़े होते हैं और आज भी उन नियमों को अपने जीवन में वो साथ लेके चल रहे हैं और उन नियमों का अनुसरण कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रिपल एस न्यूज में। आप बताइए कि बिश्नोई समाज इतनी प्रसिद्ध क्यों है? बिश्नोई समाज का प्रवर्तक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान थे। उन्होंने उस भक्ति काल के समय में मानवता जो घोर निराशा में छाई हुई थी, उसमें वो एक किरण के रूप में उदय हुए और लोगों को अंधकार में भटकते हुओं को निकाल कर मानवता के राह पर चलाने के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के और 29 नियम बनाए। उन 29 नियमों में पेड़ नहीं काटना, जीवों पर दया करनी, अपने सच्चे धर्म पर चलना, बाल विवाह नहीं करना, जात पात को नहीं मानना, सच्ची कमाई में विश्वास रखना, अमावस्या को व्रत रखना, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सुबह और शाम हवन करने के लिए ये जो नियम बनाए और उन नियमों को बना करके जिन्होंने इस नियम को स्वीकार किया उनको पाहल पिलाया गया और उनको ये प्रतिज्ञा दिलाई गई कि मैं मानवता की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए और प्राण की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी रहूँगा। इन सब बातों को लेकर के बिश्नोई समाज का जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने स्थापना की और उन नियमों पर चल करके और आज बिश्नोई समाज आगे बढ़ रहा है। वो इसलिए मशहूर हैं क्योंकि आज के समय में प्रकृति के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है उसको शुद्ध रखने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए, नारी शिक्षा को उन्नति के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, विधवा विवाह करने के लिए, इन सारी कुरीतियों को लेकर के आज बिश्नोई समाज कटिबद्ध है और जानवरों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर देती है। माताओं ने अपने बच्चे को एक स्तन से दूध पिला, दूसरे स्तन से मृग के बच्चों को दूध पिला करके पाला और पेड़ की रक्षा के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी और 363 नर और नारियों का बलिदान जो है वो विश्व में अमिट है। इन सब बातों को लेकर के बिश्नोई समाज जो है वो एक दूसरे समाजों से अलग स्थान रखता है। बिश्नोई समाज इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कहीं पे भी कभी जीव हत्या होती है या पेड़ कटते हैं तो बिश्नोई समाज सबसे आगे खड़े होकर मुद्दा खड़ा करते हैं। और बिश्नोई समाज इसलिए इतने प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनके 29 नियम पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रिपल एस न्यूज में। आप बताइए कि बिश्नोई समाज इतने प्रसिद्ध क्यों है? बिश्नोई समाज के अंदर उसके नियम नियमावली कार्य है बहुत अच्छा है। इनके जीवों के प्रति दया, जीवों के प्रति रक्षा, जनता जीव मतलब आदमी मात्र के प्रति सेवा इनका मुख्य ध्येय है, इसीलिए बिश्नोई समाज प्रसिद्ध। नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रिपल एस न्यूज में। आप बताइए बिश्नोई समाज इतने प्रसिद्ध क्यों है? समाज के अंदर ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेवा की है लोगों की और यहाँ पर बिना किसी द्वेष के और के सबको शिक्षा देते हैं और इस प्राणियों को, प्राण के जीव प्राणियों को इस तरीके से उनको बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं। और इस मंदिर के अंदर बाग के भी प्राकृतिक इस तरह से उन्होंने बनाया है जिसके अंदर जब आप आवाज़ आती है आपको ये चिड़ियों की रोर के यहाँ पर पानी के इनके परिंदे परिंदे रोर लगाते हैं इनके। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध है।
ताजा खबर सबसे पहले देखने के लिए ट्रिपल एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑप्शन सेलेक्ट।